आज मैं वाटरमेलन खरीदने जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखे हैं कि कैसे अच्छा वाटरमेलन खरीदते हैं। मैंने ये 5 चेकलिस्ट बनाई है, ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं यहाँ सारी चीज़ चेक करके वाटरमेलन लेने वाला हूँ और देखते हैं कि अच्छा निकलता है या नहीं। काफ़ी जगह घूमने के बाद एक ही जगह मुझे तरबूज दिखाई दिया, शायद गर्मी की वजह से दुकान वाले घर चले गए होंगे, तो अब मुझे इसी जगह से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे इतने सारे तरबूज हैं पर कोई भी मुझे गोल दिखाई नहीं दे रहा है, सारे अंडे के शेप के हैं। पर मैंने पता लगाया कि अंडे के शेप वाले तरबूज ज़्यादा मीठे नहीं होते, तो 10 मिनट देखने के बाद मुझे बस 2 अच्छे तरबूज दिखे हैं जो गोल हैं। हजारों में से बस 2 गोल हैं, अंदर गोल हो सकते हैं पर मुझे पता नहीं, तो इसी 2 में से सेलेक्ट करना होगा। मैंने इसे सेलेक्ट किया। इसको ऐसे ठोकने से ऐसा साउंड आना चाहिए कि अंदर से खाली है। इन दोनों में ऐसा साउंड आ रहा था और इसमें येलो स्पॉट होने से अच्छा रहता है, इसका मतलब ये ज़्यादा देर तक ज़मीन पे रहा है जब ये उग रहा था उस टाइम, और बाहर से दबाकर देखने से ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए। और जिस जगह पर ये पेड़ से कनेक्टेड रहता है वो एरिया में ब्राउन या येलो होना चाहिए, ग्रीन मतलब कच्चा है। सो अब मैंने तरबूज ले लिया है, अब घर जाकर देखता हूँ कि अच्छा है या नहीं। देखने से तो ठीक ही लग रहा है, टेस्ट करके बताता हूँ। ये अच्छा है पर ज़्यादा मीठा नहीं है, शायद अगर ज़्यादा गोल होता तो ज़्यादा मीठा होता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि अब कौन सा फल खरीद के वीडियो बनाऊँ उसका।